हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रथम महत्वपूर्ण पदाधिकारी। ये वो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है दोस्तों जिन्होंने भारतीय संविधान में सबसे पहले पद धारण किया था। आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये पॉलिटी का क्लास नंबर 5 है दोस्तों, इससे पहले भी पॉलिटी के 4 क्लास आ चुके हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति की। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, याद रखिए, भारतीय संविधान में हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें प्रथम उपराष्ट्रपति की, कौन थे दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा एमपी है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे भारतीय संविधान में, याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोतीलाल नेहरू जी के बेटे थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के बनने में दोस्तों इनका काफी अहम योगदान रहा। नेक्स्ट बात करें प्रथम उप प्रधानमंत्री की, कौन थे दोस्तों, याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिए दोस्तों, जो उप प्रधानमंत्री का पद है दोस्तों, ये भारतीय संविधान में संवैधानिक नहीं है दोस्तों। ये क्या होता है, भारतीय संविधान में लिखित रूप से नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये औपचारिक पद है एक तरह से। अगर भारतीय उप प्रधानमंत्री का पद कभी चाहे अगर प्रधानमंत्री तो हो सकता है, ना चाहे तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। कंपलसरी नहीं है कि आप उप प्रधानमंत्री का पद रखें। एग्जाम में कभी कभी यार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है किन में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बिल्कुल याद रखते थे दोस्तों, हीरा लाल जे कन्या। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सबसे पहले महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी सर्वोच्च न्यायालय की, बिल्कुल याद रखिए, क्या नाम था, फातिमा बीबी। और सबसे पहले केस की दोस्तों हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, बिल्कुल याद रखिए, लीला सेठ। क्या नाम है, लीला सेठ, याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, फातिमा बीबी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, बिल्कुल याद रखिए, लीला सेठ। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा एमपी, याद रखिएगा। चलो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, गणेश वासुदेव मौलंकर। एग्जाम में यार कई बार एग्जाम में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट एमपी, टिक कर लीजिए इसको भी, आप एग्जाम में कई बार पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करें प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, सी सुकुमार सेन। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते के बताइएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है हाल ही में हुए एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करें दोस्तों प्रथम महिला मंत्री कौन थी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, राजकुमारी अमृत कौर। ये भी कौन सा विभाग मिला था दोस्तों, इसको याद रखिए, स्वास्थ्य विभाग। तो सबसे पहली मंत्री महिला मंत्री कौन थी दोस्तों मंत्रिमंडल में, बिल्कुल याद रखिए, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट बात करें प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, कौन थी, सरोजनी नायडू। वो भी किस राज्य की थी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, यूपी की ये राज्यपाल थी दोस्तों, कौन थी, सरोजनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। सरोजनी नायडू को दोस्तों एक बार ना कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों, और सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की महिला अध्यक्ष कौन थी, बिल्कुल याद रखिए, एनी बेसेंट। और सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो बिल्कुल आप याद रखिए, सरोजनी नायडू जी हैं दोस्तों। ऐसे ही यार चीजों को आप रिलेट करके याद रखिए, बिल्कुल आपको याद रहेगा और एग्जाम में बिल्कुल टू द पॉइंट ही याद आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद कीजिएगा। नेक्स्ट बात करें प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, सुचेता कृपलानी। और ये भी कहाँ की थी दोस्तों, यूपी की ही थी, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, प्रथम महिला राज्यपाल यूपी की थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट बात करें प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी कहां से थी, सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करें वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल याद रखिए, के सी नियोगी। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है।
नेक्स्ट बात करें, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता कौन है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, वाई वी चौहान। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रथम नेता कौन थे? आपको बिल्कुल याद, नाम याद रखना है, वाई वी चौहान। नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? देखिए, लोकसभा में कौन थे दोस्तों? वाई वी चौहान। और राज्यसभा में कौन है? कमलापति त्रिपाठी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रखिए, अभी बेल आइकन पर हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आपके लाइक से एंड सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम और ज्यादा बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।